औरतों का अहराम क्या है? नंबर एक, औरतों के अहराम के लिए कोई मखसूस लिबास नहीं, बल्कि उनका अहराम वही लिबास है जो आम तौर पर वो पहनती हैं। बुखारी की किताबुल हज बाब 23 कबल अल हदीस 1545 पे इसका तज़किरा है। दूसरी चीज है, अहराम में नकाब और दस्ताने पहनने से मना किया गया है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये देखें नकाब क्या है। नकाब से मुराद वो सिला हुआ मखसूस कपड़ा है जो पर्दा करने के लिए बनाया जाता है। इस नकाब से मुराद ये है कि स्ट्रेच्ड कपड़ा नहीं लिया जाएगा। हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से खवातीन का कौन सा अहराम, कौन सा नकाब नाजायज है और किस तरह से खवातीन अपना चेहरा ढांपेंगी। अगली बात यह है, नकाब न पहनने का मतलब ये नहीं है कि अहराम वाली औरत गैर महरम मर्दों से चेहरा नहीं छुपाएगी। उसे अपनी चादर के साथ गैर महरमों से अपना चेहरा छुपाना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत 1833 से पता चलता है। जैसे मेरे ऊपर स्काफ है, लेकिन ये चूंकि स्काफ है मैं आगे करूंगी, पीछे वाला हिस्सा जो है वो नंगा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये ज्यूम करें कि चादर का, बड़ी चादर का कुछ हिस्सा है और उसे यूं डाल लिया जाए चेहरे पे, ये चेहरे पे डाला जाए, ये स्ट्रेच्ड क्लोथ नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि आप अपने हाथ से अपनी चादर को यूं चेहरे पे ले सकते हैं जैसे यूं, ये नकाब नहीं है, इसे नकाब नहीं कहा जाता। जब आप इसे यूं डालते हैं, स्ट्रेच्ड क्लोथ को अरबी जुबान में नकाब कहते हैं। तो नकाब लेने की ममानियत है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हज के दिनों में जब हम अहराम बांधते थे तो हम अपना चेहरा खुला रखते थे, जो ही किसी मर्द का सामना होता हम फौरन अपने आप को चादर से ढांप लेते थे। यानी हजरत आयशा का चेहरा हज के दौरान किसी मर्द ने नहीं देखा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित है। हमारे यहाँ उलमा को ये गलत फहमी हुई, काफी उलमा को, सबको नहीं, कि नकाब लेना मना है तो गोया औरत के लिए चेहरा ओपन करना जरूरी है। नकाब लेने की ममानियत में कई और हिकमतें आ जाती हैं इसमें। जैसे बाज़ वक़्त नकाब इतने टाइट होते हैं, इतने रश में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। अब आप देखिए कि एक बंद नकाब में, स्टिच्ड क्लोथ में, जैसे अरबों के यहाँ लिया जाता है तो चेहरे को उसे फुली बांध लिया जाता है पहले नीचे से, तो इसमें आप देखिए कि यूं जैसे नकाब ऊपर से आपने लिया, अब चेहरे के लिए कोई मसला नहीं है, यानी हवा के आमदो रफ्त में कोई मसाइल नहीं है। तो ये यानी हज के दौरान इस तरह से चेहरे को ढांपा जाएगा। और अगर यानी इसमें कोई मुश्किल हो, कोई भी और चीज इस मकसद के लिए यूज की जा सकती है जिसे नकाब नहीं कहते। मिसाल के तौर पर जैसे आम तौर पर खवातीन पूछती हैं, क्या हज के दौरान हम अपनी हिफाजत के लिए मास्क ले सकते हैं, जबकि हमें नकाब लेने के लिए मना किया गया, मास्क लिया जा सकता है। अब आप देखिए कि मास्क को भला कोई नकाब कह सकता है, वो तो मर्द भी लेते हैं, तो क्या मर्दों ने भी नकाब ले लिया? अक्सर मर्द मास्क पहन के फिरते हैं क्योंकि इतने सारे अफराद में बहुत ज्यादा खदशा होता है किसी न किसी बीमारी में मुबतला होने का, और वैसे भी कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है या कोई और प्रॉब्लम ऐसी जिसकी वजह से वो यानी डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि मास्क लेके फिरें। तो आप ये देखिए कि अगर मर्द ले तो उसे नकाब नहीं कहते, औरत ले तो नकाब कैसे हो गया? तो अगर कोई औरत उसे लेना चाहती है तो वो नकाब के तौर पर ले सकती। आम तौर पर कहा यह जाता है कि नकाब चूंकि नाक पर आता, नाक की हड्डी को ना लगे। अच्छा, अब वो हड्डी आ गई बीच में, हालांकि हड्डी का नकाब में कोई दखल नहीं है, ठीक है, हड्डी आई, हड्डी यहां तक हो या यहां तक या यहां तक, अब ये इसमें फिर इख्तलाफात हैं उलमा के। फिर उसमें ये कि कुछ लोगों ने इससे यखस किया चेहरे को कपड़ा ना लगे, चेहरे को कपड़ा ना लगे इसलिए पी कैप्स पहन ली, नकाब लेना अब टोपी पहनी हुई, आगे से नकाब आ रहा है, तो ये यानी इसराफ है, ज्यादती है, इसका कोई हुक्म नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने चेहरे को ढांपना है तो चेहरे को ढांपते हुए भी आपका नकाब लग सकता है, और हालत अहराम में, मसलन 9 जिलहिज्जा की रात है, मीना में मौजूद है और हालत अहराम में, अब औरत सोएगी, ये तकिये का कपड़ा है, लगेगा या नहीं?
ठीक है, ऊपर चादर ओढ़ ली, लगेगी या नहीं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जैसे यानी कपड़े चेंज किए जा सकते हैं हालत एहराम में, तो कपड़े वो उतारेगी, कपड़ा लगेगा या नहीं। थोड़ा सा सेंसिबली इसे देखना चाहिए कि हदीस में रोका किस बात से गया। रोका गया नकाब, स्टिच्ड क्लोथ लेने से। तो स्टिच्ड क्लोथ ना ले। बाकी हज़रत आयशा ने भी अपने आप को छुपाया, अज़वाज मुतहरात छुपाती थी, तो छुपाना चाहिए क्योंकि पर्दा करना फर्ज है। फर्ज को कोई सुन्नत जायल नहीं कर सकती, यानी कोई हदीस फर्ज को खत्म नहीं कर सकती। जिसका हुक्म रब दे दे, रसूल उस हुक्म को खत्म नहीं कर सकता। तो असल इसकी यही है कि हिजाब करना औरतों के लिए फर्ज है, इसलिए उस हुक्म से खारिज नहीं किया जा सकता।